प्रदेश में विधानसभा चुनावों का बिगुल बजने के साथ ही राजनीति के गलियारों में सियासत गर्मा गई है। मंडी में संपन्न हुई राजकीय सीएनवी अध्यापक संघ ने खुले तौर पर एक ऐलान कर दिया है कि जो भी दल डीएलईडी की शर्त को हटाने का वादा घोषणा पत्र में करेगा, संघ उसे अपना पूरा समर्थन देगा। मंडी में आयोजित राजकीय सीएनवी अध्यापक संघ की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष चमन लाल शर्मा ने दो टूक शब्दों में सरकार के द्वारा हाल ही में सीएनवी अध्यापकों के लिए लगाई गई शर्त का विरोध किया है। साथ ही संघ ने फैसला लिया है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में जो राजनीतिक दल इस शर्त को हटाने का फैसला करेगा, संघ उसका पूरा सहयोग करेगा। चमनलाल शर्मा ने कहा कि शिक्षा विभाग ने 2001 से 2017 के सभी सीएनवी अध्यापकों को अप्रशिक्षित घोषित कर दिया है, जिसके चलते अब संघ इस प्रकार के कदम उठाने को मजबूर हो गया है। चमनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के 18,000 सीएनवी शिक्षा विभाग के इस फरमान से खफा हैं और आने वाले समय में ऐसे नेतृत्व की आशा कर रहे हैं जिसके द्वारा उनकी समस्या का निदान किया जा सके। संघ ने यह भी निर्णय लिया है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में जो राजनीतिक दल डीएलएड का को जो है अपने विजन डॉक्यूमेंट्स या मैनोफेस्टो में जो है इसको डालेगा, तो संघ के 18,000 शिक्षक प्रदेश के जो है उसका भरपूर समर्थन करेंगे। जो हमारे स्टेट प्रधान ने जो बातें कही, मैं उनके साथ भरपूर समर्थन करता हूं। और जो भी हमारी सरकार, जैसे इन्होंने भी कहा, जो भी सरकार आएगी, जो हमारी जो मांगों को मानेगी और अपने मैनिफेस्टो में रखेगी, तो हम जितने भी अध्यापक हैं, जितने भी सीएनडीपी के अध्यापक पूरे हिमाचल प्रदेश के, वो उसी सरकार का समर्थन करेंगे।